हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं पोयम स्टार्ट वेयर यू स्टैंड, इंग्लिश बुक ग्रेड 11 गुजरात बोर्ड से। इस पोयम को लिखा है बर्टन ब्रेले ने। ये एक अमेरिकन पोएट थे और इन्होंने लगभग 20 बुक्स के करीब लिखी, जिसमें ज्यादातर पोएम्स की कलेक्शन थी। ये जो पोयम है, एक ये मोटिवेशनल पोयम है, यानी कि हमको हौसला देने वाली, हमको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाने वाली एक पोयम है। पोएट का यह मानना है कि अगर हम अपने पिछली जो भी हमारे साथ घटनाएं हुई हैं, चाहे बुरी हुई हो अच्छी हुई हो, अगर हम उन्हीं को लेकर बैठे रहेंगे तो क्या हम आगे आने वाला जो फ्यूचर है या जो आज का प्रेजेंट है उसमें जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे या नहीं। तो अपनी पोएम शुरू करते हैं। स्टार्ट वेयर यू स्टैंड एंड नेवर माइंड द पास्ट वोंट हेल्प यू इन बिगनिंग न्यू। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो बीत गया वो बीत गया, अब जहां हो वहीं से आगे बढ़ो, उठ के खड़े हो और इस बारे में मत सोचो कि पिछला क्या हुआ, क्योंकि अगर तुम पिछले को ही याद करते रहोगे तो कभी भी आगे जो नए की शुरुआत है वो नहीं कर पाओगे। इफ यू हैव लेफ्ट इट ऑल बिहाइंड एट लास्ट, व्हाई दैट्स इनफ, यू आर डन विद इट, यू आर थ्रू, देयर इज अनदर चैप्टर इन द बुक, देयर इज अनदर रेस that you have planned. Don't give the vanished days a backward look. Start where you stand. उन्होंने कहा, जो हो चुका अब वो हो चुका, बहुत हो गया। उसको लेकर कब तक तुम सोचते रहोगे? अगर दुखद घटना है तो उसको लेकर दुख मनाते रहोगे। अगर तुम्हारे को आगे बढ़ना है, हर दिन एक नया सवेरा होता है, हर दिन रात जाती है और अगला दिन उजाला आता है, तो वही चीज तुम्हारे साथ है। हमारी जो जिंदगी की किताब है उसमें हर दिन एक नया चैप्टर होता है, हर दिन एक नया पन्ना खुलता है, हर दिन एक हम नई लड़ाई लड़ते हैं, एक नई जंग के लिए आगे बढ़ते हैं, एक नई दौड़ में हिस्सा लेते हैं। तो अगर तुम जो हो उन पुराने बीतों को छोड़ दोगे, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीजें जिसको लेकर तुम्हें परेशानी हो रही है, उन्हें छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करो, और जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाए, जब तुम्हें समझ में आ जाए, वहीं से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। द वर्ल्ड वोंट केयर अबाउट योर ऑल डिफीट्स इफ यू कैन स्टार्ट अ न्यू एंड विन सक्सेस। द फ्यूचर इज योर टाइम एंड टाइम इज फ्लीट एंड देयर इज मच ऑफ वर्क एंड स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। फॉरगेट द बरीड वॉर्स एंड डेड डिस्पेयर्स, हियर इज द ब्रैंड न्यू ट्रायल राइट एट हैंड। द फ्यूचर इज फॉर हिम Who does and dares start where you stand? लोगों को, दुनिया में किसी को तुम्हारी उस बात से चिंता नहीं है कि पुराना तुम्हारा क्या हुआ। तुम्हारे को यह देखना है कि आज मैं क्या हूं या मैं अपने फ्यूचर में और सक्सेस कैसे हासिल कर सकता हूं, क्योंकि आने वाला समय ही जो है, हमारा भविष्य जो है, वो हमें संवारना है, बजाय अपने पास्ट को देखकर उसके लिए याद करके उसका गम मनाना है। बहुत सारे काम है करने को, अभी बहुत सारा हमें लेबर करना है, बहुत अपने ऊपर तकलीफें उठानी है, तो जो गम थे, जो दुख थे, जो कंफ्यूजन्स थे, उनको अब खत्म करो, उनको बरी करो, एक नए चीज की शुरुआत करो, क्योंकि जो फ्यूचर होता है वो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो करना जानते हैं और जिनमें हिम्मत होती है। इसलिए जहां हो वहां से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। Old failures will not hold, old triumphs aid. Today is the thing, tomorrow soon will be. Get in the fight and face it unafraid. And leave the past to ancient history, what has been, yesterday is dead. And by it you are neither blessed nor banned. Take courage man, be brave and drive ahead. Start where you stand. जो भी हमारी पुरानी असफलताएं हैं, वो हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि आज जो चीज हमारे पास है, कल वो चीज पास्ट बन जाएगी। तो इसलिए हमें हर दिन एक अपनी नई फाइट में बिना किसी डर के, बिना रुके हुए उसमें आगे बढ़ना है। जो बीत गया वो बीत गया, अब वो एक इतिहास हो गया। उससे ना तो क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना, जो हो गया वो हो गया, अब कल खत्म हो चुका, आज की बात करो या आने वाले कल की बात करो, क्योंकि जो बीत गया उससे ना तो तुम्हें अब कुछ फायदा होगा, ना तुम्हारे को उसको कोई रोक सकता है। तो इसलिए हिम्मत करो, आगे बढ़ो और जहां से हो वहां से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। कहने का मतलब ये है, हम लोग कहते हैं कि कई बार मुश्किलें होती हैं, पर इंसान जैसे अब बच्चे हैं, वो
चलना सीखना चाहते हैं तो 10 बार गिरते हैं, उसके बाद संभलते हैं। अगर हर बार हमारे मन में यह डर बैठ जाए, अरे मैं पिछली बार चला था तो मैं गिर गया, तो वो जो चीज होती है वो तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देगी, तुम्हारे को हिम्मत ही नहीं आएगी कि मैं उठ के खड़ा हूं और आगे बढ़ूं। तो यही चीज लाइफ के साथ भी है। लाइफ में अगर फेलियर्स आते हैं तो सक्सेस भी आती है, पर अगर फेलियर को ही लेकर हम जो है सोचते रहेंगे, दुख मनाते रहेंगे, तो हम सक्सेस फिर आगे अचीव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी है, जैसा भी है, हो गया, छोड़ो, अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, आज को पहचानो और आने वाले कल को संवारो। ये थी हमारी पोयम, आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।